हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाइन्थ क्लास इंग्लिश वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 5। स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज की वर्कशीट है आपकी 17 जुलाई 2021। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं यूज ऑफ ए एंड द का। यूज जब हम करते हैं तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो ये ए एंड द। अब छोटे बच्चों को बता दिया जाता था जब आप छोटे थे कि बेटा जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिख जाए, कॉन्सोनेंट वर्ड दिख जाए तो ए लगाना है और वावल दिख जाए तो एन लगाना है। तो आप अब बड़े हो गए हो, अब आपने साउंड पहचाननी है, ठीक है ना। ए ई आई ओ यू ये होते हैं 5 वावल, लेकिन इनकी साउंड देखनी है आपने हिंदी में ए से लेकर ए खाली तक, ठीक है, औरत तक जो भी साउंड होती है, ए की साउंड हो चाहे आई की साउंड हो, ठीक है, तो एन लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो यानी क से लेकर है तक अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और जो ये आर्टिकल्स होते हैं ये मेनली तब लगते हैं जब कोई सिंगुलर नाउन हो, ठीक है ना, प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगते, ठीक है। ए यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले लगता है जो बिगिन होती है कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट साउंड से जो बिगन होते हैं, जैसे बैग, बै साउंड है ना, तो बै व्यंजन है तो ए का यूज हो गया, ठीक है। अब देखो एन, एन कब यूज होगा, जब सिंगुलर नाउन हो और उससे पहले वावल साउंड हो, वावल साउंड जैसे आइसक्रीम, आ आइसक्रीम आ आया है ना पहले साउंड, तो आ सवर है तो इससे पहले क्या लग गया एन, ठीक है। अब द का यूज़ कैसे होगा, द का यूज होगा यूनिक चीज़ों के लिए जो यूनिक होंगी, स्पेशल होंगी, ठीक है, अनकाउंटेबल हों, अनकाउंटेबल नाउन के साथ और एडजेक्टिव के साथ, सुपरलेटिव डिग्री हो जिसमें, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना, जैसे नेम ऑफ रिवर, न्यूज़पेपर, माउंटेन, ओशियन, द अर्थ, ठीक है, द सन, द स्काई, द मून, ये सभी क्या है, इनके साथ द का यूज होता है। और एक अगर एक ही जो नाउन है वो दोबारा रिपीट हो, सेम नाउन दोबारा रिपीट हो तो भी द का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल में कैसे करना है, आपने फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट ए एन द, ए एन द का यूज करते हुए आपने ये फिलअप करना है। देखो अब लास्ट वर्ड देखना है आइसक्रीम, तो ये तो आपने कर लिया, आ साउंड आई है तो क्या लगना है एन, ए एन, ठीक है। अब चॉकलेट, च, च साउंड है तो च क्या है कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा। गिटार, ठीक है, ग साउंड है तो क्या है कॉन्सोनेंट है तो ए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ साउंड है तो ए क्या है सवर है ना, सवर से पहले क्या लगता है एन लगता है और व्यंजन से पहले ए लगता है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। अब फिफ्थ देखें, माई आंट लाइक टू ईट ऑरेंज, ओ साउंड क्या है सवर है ना तो क्या लगेगा एन। अब यहाँ बनाना, ब बनाना, ब क्या है व्यंजन है तो क्या लगेगा आ। देखो वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है ना, हमें हमेशा सच्ची बात सच बोलना चाहिए, तो ये जो भी मॉरल ड्यूटीज आती हैं उनके लिए भी द का यूज करते हैं। वट इज नेम ऑफ योर कंट्री, वट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, ठीक है। मीरा इज़ द स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ, ठीक है, मीरा इज़ द स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ। आर इम वेटिंग फॉर, देखो एच, एच वैसे तो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी साउंड क्या आती है आवर, आवर बोलते हैं ना इसको आवर, तो अ क्या है सवर है तो एन लगेगा, ठीक है ना, हावर नहीं होता ये आवर, ठीक है, क्योंकि एच साइलेंट होती है। देखो ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री है ना, जब ई एस टी लग जाती है गुड बेटर बेस्ट, तो डार्केस्ट है तो द, और यहाँ पे सिल्वर स साउंड है ना, स क्या है व्यंजन है तो ए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट द स्टोरी, आपने ये स्टोरी कंप्लीट करनी है ए एन द का यूज करते हुए, ठीक है। अब देखें लास्ट संडे अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, स्ट्रेंज स साउंड है ना तो ए आ गया। आई वॉज अबाउट टू लीव माई हाउस, में घर छोड़ने वाला था, वैन अ टेलीफोन रिंग हुई, एक टेलीफोन की रिंग हुई। आई पुश्ड द टेलीफोन, मैं उसी टेलीफोन के पीछे जो किसकी जो रिंग हुई उसी टेलीफोन के,
ठीक है। द टेलीफोन का मतलब है कि वही टेलीफोन जिसकी हमने बात की थी, दोबारा नाउन वही राउंड नाउन रिपीट हुई है ना टेलीफोन वाली, तो यही बात मैं बता रही थी कि आपको एक नाउन जब दूसरे सेंटेंस में रिपीट हो तो द का मतलब है कि वही जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो द टेलीफोन, वैन इट स्टॉप्ड रिंगिंग आई सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, मैं सोफ़ा पे बैठ गया और एन आर आवर, ठीक है ना, एक आर तक मैं वेट करता रहा, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आई ड्रिंक अ ग्लास, ग क्या है, व्यंजन है, तो अ ग्लास ऑफ वाटर एंड डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट, और मार्केट में जाने का निश्चय किया। अम्ब्रेला, देखो ए साउंड है तो सवर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन अम्ब्रेला। एज बाय नाउ इट वाज रेनिंग आउटसाइड एंड वॉक डाउन आई लॉक्ड हाउस, देखो है ना, है तो क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले क्या लगेगा, ए। आई वाज रिंगिंग डाउन स्टेयर्स, रिंगिंग डाउन द स्टेयर्स, मैं स्टेयर से उतरा। व्हेन आई हर्ड द रिंगिंग अगेन, जब मैंने दोबारा से रिंग सुनाई दी। पिक्ड द फोन, मैंने फ़ोन उठाया। एंड वेंट टू द मार्केट, क्योंकि मार्केट भी दोबारा आया है और फ़ोन का भी दोबारा है। पिक्ड द फोन एंड वेंट टू द मार्केट टू बाय अ फ्लावर पोट, एक फ्लावर पोट खरीदने के लिए गया। ए पेंसिल, पै साउंड है तो पै व्यंजन हो गया। पेंसिल बॉक्स एंड ब्रिक्स, ब क्या है, ब भी व्यंजन है, तो ए ब्रिक ऑफ आइसक्रीम। ये आपकी ए एंड द का यूज़ था बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।